हेलो दोस्तों, आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 15 जनवरी को सभी बोर्ड के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए की तरफ से जारी किया गया आदेश हाथरस जिले में। मकर संक्रांति के मौके पर 15 जनवरी को आज छुट्टी रहेगी और आप सभी प्रदेशवासियों को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उत्तरायण पर और आज के दिन दोस्तों भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्यागे थे। आज के दिन दान धर्म स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव को जल अर्पित और कुछ न कुछ गरीबों को दान जरूर करें। गायों को चारा डालें, इससे आपके जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। इस बार मकर संक्रांति पर 77 साल बाद अति शुभ संयोग बन रहा है और आज से खरमास भी समाप्त हो जाएगा। फिर कल 16 तारीख से सहनाई गूंजने लगेगी। 26 अप्रैल तक विवाह के भी शुभ मुहूर्त रहेंगे। इतने दिन खरमास चल रहा था तो सभी मांगलिक कार्यों पर रोक थी, लेकिन आज से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, मंगनी, चुगल, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश सब कुछ शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी प्रदेशवासियों को भी हैप्पी मकर संक्रांति। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। प्रदेश के इस सदी के मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो चुका कार्डियक अरेस्ट से। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। आज बीती देर रात दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि या तो आज रायबरेली में इनका अंतिम संस्कार होगा, जहां इनकी जन्म स्थली है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1952 को और दोस्तों जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस दौरान इनके रिश्तेदार तो पाकिस्तान चले गए लेकिन इनके पिता भारत में ही रहे। 71 साल की उम्र में इन्होंने आज रात अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि या तो रायबरेली में इनका अंतिम संस्कार होगा या फिर लखनऊ में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये माँ के ऊपर कई शायरियाँ लिखते थे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का निधन हुआ था तब भी इन्होंने कहा था कि किसी की भी माँ के जाने पर मुझे लगता है जैसे मेरी माँ चली गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब फरमाए, हम सब की यही ख्वाहिश है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में सुरक्षा गहरा तैयार हुआ। एटीएस एसटीएफ कमांडो तैनात किए गए। 5000 जवानों ने संभाली कमान, क्योंकि आज के दिन गंगा नदी प्रयागराज सागर में लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं, तो इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है। देखिए आप, मकर संक्रांति पर 65 लाख लोगों ने गंगा सागर में लगाई डुबकी। कल भी और आज भी लाखों लोग वापस स्नान करने के लिए आएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने वाली है। 14,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए। खबर है आज गुरु गोरक्षनाथ को भी श्रद्धालु आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे, मेले का आनंद भी उठाएंगे। दोस्तों मकर संक्रांति को कई राज्यों में अलग अलग पर्व के नाम से जाना जाता है, जैसे पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति। खैर नाम अलग है, त्योहार तो एक ही है। आप सभी प्रदेशवासियों को भी लोहड़ी पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गोरखपुर आ रहे हैं। खबर है कि सरयू तट पर उनकी कथा का आयोजन होगा 17 से 19 जनवरी तक। और वहीं देखिए, गंगा में नालों को गिरता देख संतों ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति पर वो स्नान नहीं करेंगे। 25 जनवरी से 25 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन भी होगा। ये फरुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी गंदगी फैली हुई है। और वहीं देखिए, आराध्य देव माँ के बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। कई किलोमीटर तक लंबी लाइन भी लगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों की सौगात दी है। रंगू से होगी रूट की पहचान। जी हाँ, सीएम योगी ने अयोध्या धाम बस स्टेशन से 50 इलेक्ट्रिक बसों व 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान डिजिटल टूरिस्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस डिजिटल टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आप ई बस, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ऑटो को बुक कर पाएंगे। टिकट बुक कर पाएंगे, मतलब कैब की तरह है ना। और वहीं देखिए, रामलला के आगमन से पहले अयोध्या में सीएम योगी ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों से भी आह्वान किया। पीएम मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पर झाड़ू लगाई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में सफाई वाहन को हरी झंडी भी दिखाई। गोरखनाथ मंदिर में नगर निगम के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गरीबों को ठंड से बचाव के लिए ये कंबल वितरित किए सीएम योगी ने। और अभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश कानपुर का दौरा किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यहां सेवानिवृत्त जवानों से बातचीत की और बोले कि देश के सैन्य इतिहास की श्रेणी में कानपुर अपना एक अलग ही महत्व रखता है। पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों से जैसा चाहते थे वैसा व्यवहार हम कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सम्मान दिया। दरअसल ये बात की उन्होंने साल 1971 के भारत पाकिस्तान की युद्ध की। उस दौरान 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो हम चाहते तो उनके साथ कैसा भी दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार भी कर सकते थे, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपरा ऐसी है कि हमने उनके साथ पूरी तरह से मानवीय नजरिया अपनाया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके देश वापस भेजा। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, यही तो खास बात है इंडिया की। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश, स्काउट और गाइड की सभी गतिविधियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। विद्यालयों में इस तरह की गतिविधियां नहीं होगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किया है। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश
को जल्द ही मिलेंगे 7,000 से ज्यादा लेखपाल। तेजी से निपटेंगे राजस्व प्रशासन से जुड़े काम। यूपी सरकार जल्द ही इन लेखपालों की नियुक्ति करेगी। 30 दिसंबर 2023 को ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो चुका था, तो अब इनको बस नियुक्ति पत्र देना बाकी है। और उत्तर प्रदेश में मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है, अगले 3 दिन ऐसे ही पड़ेगी कड़ाके की ठंड। और ऐसे में इस बढ़ती ठंड के माहौल के बीच प्रदेश के कई स्कूलों में तो 16 जनवरी तक छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। 19 जिलों में सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी है। कौन कौन से जिलों में स्कूलों में छुट्टियां हैं, मैं आपको आगे पूरी लिस्ट बताऊंगा। बाकी मौसम विभाग का कहना है दोस्तों, अभी शीतलहर चालू रहेगी यूपी में। कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी है। अगले 2-3 दिन तो मौसम ऐसा ही रहने वाला है, तो सावधान रहे आप। मेरठ सबसे ठंडा चल रहा, कानपुर में रेड अलर्ट जारी, शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग ने पाले की आशंका भी जताई है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1,00,000 लोगों को सौगात देंगे, पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। आज 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के लोगों को यह बड़ा तोहफा मिलेगा। टोटल 540 करोड़ रुपए की धनराशि की किस्त जारी करेंगे, जिससे 1,00,000 लोगों को उनके पक्के घर की चाबी मिलेगी। पीएम जनमन योजना के तहत ये 4,90,000 घरों का टोटल निर्माण करने का लक्ष्य रखा सरकार ने, जिनमें से 1,00,000 घरों के निर्माण की राशि तो आज आ जाएगी, बाकी शेष आवासों के लिए आने वाले समय में राशि जारी की जाएगी। देश भर के 100 जिलों से 1,00,000 लाभार्थियों से पीएम मोदी बातचीत भी करेंगे, और इस दौरान केंद्र और राज्यों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अधिकारी 1,00,000 लाभार्थियों को उनके आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाते और अन्य योजनाओं के लाभ पत्र भी वितरित करेंगे। तो ये आज प्रोग्राम होना है। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी का देशवासियों और प्रदेशवासियों को यह बड़ा तोहफा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अंडरपास से जुड़ेगा नोएडा का जंगल ट्रेल। 24 मीटर होगा लंबा, 2 करोड़ किए जाएंगे खर्च। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पार्क बनाए जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, गौतम बुद्ध नगर में पकड़ी गई 35 लाख की अवैध शराब। ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर की जा रही थी तस्करी। 334 पेटियां बरामद की गई। गिरोह का भंडाफोड़ भी हुआ। खबर है 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओबीसी की पार्टी। जौनपुर में AIMIM जिला अध्यक्ष बोले कि यूपी के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है, व्यापक पैमाने पर चलाएंगे सदस्यता अभियान। और बड़ी खबर है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट के मामले पर अपडेट आ रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया। याचिका में 5 साल की आयु में छूट देने की मांग को लेकर अब हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट से जवाब भी मांगा है। देखते हैं इस पर क्या जवाब आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जाकर देखिए मैं आपको डेली के डेली तारीख वाइज हर एक मुख्य समाचार और बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की होती है। योगी सरकार का कोई बड़ा फैसला आया, नई सरकारी स्कीम आती, नई योजना आती, कोई भी बड़ा ऐलान होता है, तो तुरंत डेली का डेली सबसे पहले इसी चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से बताता हूँ। राइट, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, हर एक वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट काम की खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, फ्री है। और यूपी के रहने वाले आप तो जरूर डेली के डेली इसके वीडियो को देखा करो, और अपने दोस्तों, परिवार वालों, पड़ोसियों को भी बताना, इसके बारे में शेयर करना, ठीक है। इतना आप सपोर्ट कर दो, मैं आपको डेली इंपोर्टेंट काम का कंटेंट लाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। चलिए अगले खबर देखिए, आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर जोरों शोरों से अपडेट आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हुआ राम महोत्सव 70 दिन तक लगातार चलेगा, देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अयोध्या में इसकी शुरुआत हुई है, देख सकते हैं आप कुछ अद्भुत तस्वीरें भी। और वही खबर देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ेंगे देश भर के 60 करोड़ लोग। 5 लाख गाँव में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, सीधा प्रसारण होगा ऑनलाइन। प्राण को लेकर योगी सरकार ने एक नया आदेश भी जारी किया है। 20 जनवरी के बाद बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा अयोध्या में प्रवेश, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को भी अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। सुरक्षा कारणों को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। और वहीं खबर है दोस्तों, अतिथियों के व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा प्रवेश कार्ड। हाई सिक्योरिटी फीचर से होगा लेश। मंदिर में जाते समय रखना होगा पास। जो राम मंदिर के लिए इन्वाइटेड अतिथि हैं, उनके लिए भी ये सिस्टम लागू होगा। और वहीं देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महिलाओं को मुफ्त मिलेगी भगवान की तस्वीर वाली चूड़ियां। 10,000 पैकेट करने में जुटे कारीगर। और दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान भारत तक है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में भी दिखाई दे रही। देखिए आप, थाईलैंड में भी थाई मंदिर पहुंचे राजदूत डॉक्टर परविंदर सिंह, कहा कि थाईलैंड में भी मनेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न। और अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका में भी कार रैली निकाली गई। भगवान राम के झंडों के साथ 350 गाड़ियों का काफिला निकला, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। दुनिया भर के 55 देशों को न्योता दिया गया राम मंदिर का। और बड़ी खबर देखिए, गाजीपुर के 441 मंदिरों में होगा भजन कीर्तन। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजन मनाया गया, डीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 136 कलाकार ऑनलाइन दिखाएंगे कलाकारी। मेरठ समेत राम कथा कला प्रदर्शनी में जुड़ेंगे देश भर के कलाकार। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर भी आपको पता होगा, कल से कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो मुहूर्त निकालने वाले शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा विवाद पर लगाया विराम और कहा कि 22 जनवरी सबसे शुभ तिथि है, अगर अभी न विराजते तो 30 महीने तक और इंतजार करना पड़ता रामलला को। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में चांदी का 21 बेलपत्र भी चढ़ाया जाएगा। बाबा विश्वनाथ के प्रसाद को राम की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाएगा।
काशी से 19 जनवरी को अयोध्या भेजा जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, एक अनोखे संत की भक्ति, बालू की जटाओं से रथ खींचते अयोध्या की तरफ बढ़ रहे महाराज खली, विदेशों में भी दिखा चुके हैं रथ अंगेज कारनामे। मध्य प्रदेश के बद्री महाराज जो अपनी जटाओं से ही रथ खींचकर अयोध्या की तरफ बढ़ते नजर आए। ये बद्र महाराज एमपी के दमोह के रहने वाले हैं और इन्हें खली के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में 14 लाख दीयों से बनाई गई रामलला और राम मंदिर की अद्भुत कलाकृति भी जय श्री राम लिखा गया देख सकते हैं आप तस्वीर में। और वहीं खबर है दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट पर 22 तारीख को सिर्फ पीएम मोदी का विमान उतरेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन नेग भी नहीं मांगेंगे किन्नर, अयोध्या की किन्नरों ने यह फैसला किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़ा ऐलान किया और राजस्थान में भी ड्राई डे रहेगा, मतलब 22 तारीख को शराब की सारी दुकानें बंद रहेगी राज्य की लगभग 7,500। और ऐसा ही फैसला एमपी सरकार ने भी लिया, मध्य प्रदेश में भी शराब की दुकानें बंद रहेगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ऐलान किया गया। और मध्य प्रदेश में तो 22 तारीख को छुट्टी भी घोषित की गई। हालांकि दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली में सभी बाजार खुले रहेंगे, 22 तारीख को राष्ट्रीय छुट्टी के पक्ष में नहीं आया व्यापार मंडल। तो ये कुछ राम मंदिर को लेकर माहौल चल रहा। और चलिए कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में मैराथन में दौड़े 3500 धावक। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा बोले कि भारत संतों की भूमि है, उन्हीं के तपोबल से देश महान बना। खबर है माघ मेले में प्रयागराज जाने का सफर होगा और भी आसान, यूपी सरकार चलाएगी 1000 अतिरिक्त बसें। प्रयागराज में 15 जनवरी से जो माघ मेले की शुरुआत हो रही है उसके लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। और रेलवे ने भी एक नई पहल शुरू की है, माघ मेले से पहले ही निकाल सकेंगे रेलवे टिकट। माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए अलग से टिकट काउंटर भी बनाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गन्ना मूल्य घोषित कराने के लिए मुंडन कराकर निकाली यात्रा। मुजफ्फरनगर में किसानों ने की 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की मांग, 12 दिन तक जलाएंगे दीपक। खबर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से अयोध्या गया, खाद्यान्न से भरा ट्रक 500 क्विंटल लड्डू भी भेजे गए। और वहीं खबर है कि विश्वनाथ मंदिर कर्मियों को अब राज्य कर्मचारी का अहोदा देने की तैयारी की जा रही है, इस प्रस्ताव को कमिश्नर ने भी दी हरी झंडी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूपी के इन जिलों के स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां, कड़ाके की ठंड के चलते लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, इसके चलते कई जिलों में तो स्कूलों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। आगरा में 20 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी, मैंने आपको पहले बताया था। और कई जिलों में 16 तारीख तक छुट्टियां बढ़ाई गई। जैसे देखिए आप, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 जनवरी तक 8वीं क्लास के सभी स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लास के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और स्कूलों का समय भी बदल दिया गया, 3 बजे तक चलेगी 9वीं से 12वीं तक की क्लास, डीएम की तरफ से जारी किया गया आदेश। लखीमपुर खीरी में भी सर्दी का प्रकोप जारी है, इसके चलते 12वीं तक के विद्यालयों में 17 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया, मतलब 17 तारीख तक छुट्टी रहेगी। जौनपुर में भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। और बरेली में भी देखिए, कक्षा 12वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर भी जारी है, 5 फ्लाइट भी कैंसिल की गई, 1 डाइवर्ट हुई। तो ये कुछ ठंड का माहौल चल रहा है और ठंड में बीमार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो सावधान रहें, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिला अस्पताल में आरक्षित किए गए 20 बेड 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, चिकित्सकों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। और कानपुर से देखिए ये खबर, कुत्ते के काटने से जख्मी आंख का सफल ऑपरेशन किया गया, हेलेट अस्पताल में 3 मरीजों की आंखों की रोशनी बचाई डॉक्टरों ने। आगरा में भी सर्दी से शरीर का ताप ठंडा पड़ रहा, दुखने लगी मांसपेशियां, बच्चों को कपकपी, तो हाइपोथर्मिया की दस्तक भी हो रही है, बच्चे बच्चों का ध्यान रखें। और वहीं खबर देखिए, एम्स के जैसे ही बनेगा एएमयू का एडवांस कार्डियक सेंटर, जगह मांगी गई, ईसीजी से लेकर सारी एंजियोप्लास्टी तक की सुविधाएं मिलेगी आपको। जेएन मेडिकल कॉलेज में ये एडवांस कार्डियक सेंटर बनाया जाएगा अलीगढ़ में। और एम्स गोरखपुर में भी बड़ा फेरबदल किया गया, महत्वपूर्ण पदों के चेहरे बदले गए, नई कमेटी में पूर्व निदेशक के चेहरों को जगह नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर एम्स के प्रशासनिक पदों के प्रभारियों को बदला गया, नए निदेशक ने डॉक्टर अजय भारती को एम्स बनाया, डॉक्टर हरिशंकर जोशी को मिली रजिस्ट्रार पद की जिम्मेदारी। और देखिए गोरखपुर खिचड़ी मेले पर भी अपडेट आना, नौतनवा और बढ़नी के लिए शुरू हुई मेला स्पेशल ट्रेन, श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी। खबर है 22 जनवरी के लिए अलर्ट मोड पर महोबा में जीआरपी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर वीडियो कॉल से रखी जाएगी नजर, कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और वहीं देखिए 6 महीने के भीतर 5000 से अधिक कंपनियों पर लगा ताला, गौतम बुद्ध नगर का आंकड़ा है ये सिर्फ। देखिए आप, 6 महीने में 5000 कंपनियां बंद हो गई। हालांकि ये कंपनियां बंद होने का निवेश के पीछे कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिले में बढ़ते आर्थिक निवेश के बीच ये वाकई में चौंकाने वाली खबर है। खुद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़े ये पुष्टि करते हैं कि 5000 कंपनियां 6 महीनों में बंद हुई। अब कितने लोग तो इसमें बेरोजगार हुए होंगे, जरा सोचिए आप, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ना। और एक अच्छी खबर है, यूपी के आम की भरपूर मिठास इस बार विदेशों तक भी पहुंचेगी, 100 मीट्रिक टन निर्यात का लक्ष्य तय किया गया। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को दिया वेस्ट मैनेजमेंट के टिप्स, किसानों को मिले कंपोस्ट खाद भी। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने जरूरतमंद लोगों को 20,000 कंबल भेजे अमेठी में, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भी जरूरतमंद तक कंबल पहुंचाए, अच्छी पहल है। और वहीं खबर है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलीगढ़ जाएंगे पीएम मोदी, 25 जनवरी को करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।